नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस का अब जो मेंस एग्जाम है 2017 वाला, वो आगे बढ़ गया है उसकी डेट। ठीक है, अभी जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है उसमें लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, और उसी के बारे में आपसे बात करनी है। कुछ आपको दिखाना है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन करिएगा, नहीं चाहें तो फिर देख मैं इसके आंसर आपको डिकोड करके देता रहूँगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हमारे यहाँ आंसर राइटिंग होती है, ठीक है, तो चाहे वो इंग्लिश में लिखे कोई आंसर या हिंदी में लिखे, मैं उस पर चेक करके पूरा सब बताता हूँ। जैसे ये मैंने सोशल वर्क के पेपर वन के करीबन 40 क्वेश्चन दिए हैं, कि उसमें से अगर आप ये लोग कर लेंगे तो वो उसी में से आएगा। मतलब 8 क्वेश्चन जो आते हैं टोटल, 8 में से हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो वही मैंने आंसर पर लिखाए थे, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा था कुछ लोगों को, तो फिर मैंने बताया कि जैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है सोशल वर्क की, तो कैसे कैसे लिखना है, कि पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर एक दो राइटर जो भी स्कॉलर से उनकी देखनी है, ठीक है, फिर उसमें जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लिखनी है, फिर 3 स्टेज प्रोसेस, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, इसमें आंसर राइटिंग होती है डेली, और डेली मतलब मैं इसको दे देता हूँ, और मैं हर 2-3 दिन में एक बार बैठ के रात में रात भर यही चेक करता हूँ कि कैसे किसने लिखे हैं। तो इसमें देखिए, जैसे ये देख सकते हैं आप, हिंदी वाले आंसर भी लिखे हुए हैं लोगों ने, ठीक है, तो हिंदी वाले आंसर भी लिखते हैं, इंग्लिश वाले भी लोग भी लिखते हैं। करीबन इसमें 30 30 लोग हैं इसमें। एक्चुअली मेरे खुद के अकाउंट है, मैं अलग अलग फ़ोन से चेक करता हूँ, 3 अकाउंट तो मेरे ही हैं इसमें, तो 30 लोग हैं इसमें। और इसमें हम लोग का क्या क्या, देखिए मेंस में फीचर मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है इसमें। इसमें सोशल वर्क पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपका मेन से पहले, ठीक है, डिफेंस वाला जो है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा मेन से पहले, और उसकी आंसर राइटिंग भी होगी। सोशल वर्क में मेनली फोकस रहेगा फर्स्ट पेपर पे, क्योंकि सेकंड वाले पेपर पे तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स आता है, मैंने उसके क्वेश्चन दिए, लेकिन अभी मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पेपर के भी कुछ क्वेश्चन बना के दूंगा, और उसमें ग्रुप के सभी लोग आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो उसमें रहेगा ये, ठीक है। ऐसे ही डिफेंस के पहले पेपर वाला कुछ टॉपिक अभी मैंने कंप्लीट किए हैं, और अभी एक्चुअली पोस्टपोन होने वाला था, तो इसलिए फिर छोड़ दिया था उसको, क्योंकि अभी ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी लोग लगे हुए हैं, तो इसीलिए अभी मैं फिर भी पेपर वन का कंप्लीट करूंगा पहले, फिर सेकंड वाले पेपर में क्वेश्चन बना के उसमें दे दूंगा। और प्लस इस वाले ग्रुप में फ़ायदा ये है कि देखिए, आप अगर ऐसे राइटिंग भी करके दिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, उसके क्या पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये ऐसे वाला हो गया। अब मेंस में आता क्या क्या है, यूपी पीसीएस मेंस में जो 2017 में क्या क्या आएगा, आपके जीएस के 2 पेपर होंगे, तो जीएस का पेपर तो मैं इसमें रेगुलर करवा रहा हूँ, ठीक है, अब हर 6 6 दिन में हो रहा है इसमें जीएस का टेस्ट, तो आप यहाँ पर लगातार टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रहा ऑप्शनल, ऑप्शनल में यहाँ पे सोशल वर्क और डिफेंस, इसके आंसर तो मैं खुद भी चेक करता हूँ, और पूरा जो भी आपको फीडबैक है। प्लस इसमें देखिए, एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, अब जैसे 30 लोग हैं, उसमें से करीबन 15 लोग ऐसे हैं जिनका, 18 लोग ऐसे हैं सॉरी, जिनका सोशल वर्क है, और करीबन 17 लोग ऐसे हैं जिनका डिफेंस है, ठीक है। तो इसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे तो एक दूसरे का आंसर देख के आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, और फिर उसके अलावा फिर मैं सैम्पल आंसर बीच बीच में देता रहता हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो एक कलेक्टिव एफर्ट होके अगर आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो वैसे भी जो मेंस है आपका यूपी पीसीएस वाला, वो जुलाई के एंड में होगा या फिर अगस्त में होगा, तो अभी मई जून जुलाई 3 महीने तक है पूरा, 3 महीने तक आपकी जीएस की पूरी तैयारी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जीएस में जैसे मैं टेस्ट लेता रहता हूँ, प्लस और भी जो मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स है, करंट अफेयर इसमें पूरा करवाया जाएगा, टोटल करंट अफेयर भी करवाया जाएगा, यूपी का करंट अफेयर भी टोटल करवाया जाएगा आपका मेन से पहले। तो इस ग्रुप के फीचर बहुत ज़्यादा हैं यूपी पीसीएस मेंस के, ठीक है। जीएस भी आपकी कवर हो रही है, जीएस प्लस करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, यूपी का भी कवर हो रहा है, टोटल भी कवर हो रहा है। सोशल वर्क का देखिए, सोशल वर्क में मैं कोई पीएचडी कराने की आपको वो नहीं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन सोशल वर्क में इतना करा दूंगा कि आप पेपर वन में 8 में से 5 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे, विद आंसर राइटिंग यहाँ पे होगी आपकी, आंसर राइटिंग होगा। और जब आपका सोशल वर्क पेपर होने वाला होगा, उससे पहले मैं 2 पेपर यहाँ पे दूंगा, और पूरा बाकायदा सभी लोगों की इंडिविजुअल चेक करूंगा, कि मतलब ये एक हो सकता है कि आपको इंडिविजुअल कम से कम एक बार मॉक टेस्ट आप दे लें। और वैसे सोशल वर्क पेपर वन में
मैंने करीबन 40 क्वेश्चन दे दिए हैं कि वो आप लोग लिख रहे हैं इसमें, आप कई सारे लोग। और देखिए इस ग्रुप का फीचर ये कि जब से चालू हुआ है तब से लेके अभी तक के आप पूरे डॉक्यूमेंट इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल वर्क हो जाएगा, डिफेंस वाला जो पेपर वन है वो पूरा हो जाएगा, सेकेंड वाले पेपर के नोट्स हो जाएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन दे दूंगा तो आंसर राइटिंग हो जाएगी, प्लस एसे राइटिंग भी आप कर सकते हैं। एसे के लिए मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कुछ लोगों ने एसे राइटिंग किया हुआ है उसमें पॉइंट भी बताए। और प्लस अभी हिंदी हिंदी बचा है, हिंदी में मैं लेटर राइटिंग करवा दूंगा, और प्लस जो भी मेंस में ग्रामेटिकल वाला पोर्शन आता है उसके मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि पूरे नोट्स दे दूँ, हालांकि लेटर राइटिंग वाला पूरा हो जाएगा। बाकी तो थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है तो वो तो ऐसे भी किया जा सकता है, कुछ एक दो इसमें सैंपल दे दूंगा मैं कैसे करते हैं। तो मतलब मेंस की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस मेंस के ऑप्शनल सोशल वर्क और डिफेंस के साथ और प्लस एसे और प्लस हिंदी 2017 के लिए ये, और ये वाला ग्रुप तब तक रहेगा जिंदा जब तक कि यूपीपीसीएस का मेंस नहीं हो जाता है 2017 वाला, ठीक है। तो आप इसमें इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, रेगुलर होती है, लोग रेगुलर इसमें आंसर राइटिंग करते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि एक्चुअली मैं तो अपने पॉइंट देता ही हूँ लेकिन कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए 17-18 लोगों के आप आंसर देख रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने देखा है कई बार कि जैसे मैं अगर मान लीजिए मैंने 3 बुक से पढ़ा, ठीक है, के एस सुदान पढ़ लिया मैंने, ठीक है, और एक और बुक है हिंदी वाली पढ़ ली, एक और हिंदी वाली बुक पढ़ ली, एक नोट्स पढ़ लिए मैंने, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं, तो वो मैं समराइज़ करके बता देता हूँ इसीलिए ताकि सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए। तो इसमें मतलब पूरा आपको ये मिल जाएगा, देखिए रेगुलर आंसर राइटिंग होती है, लोग इंग्लिश में जो लोग लिखते हैं वो इंग्लिश में मैं उनको चेक करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं नोट्स देता हूँ, जैसे मैं जो वॉइस समरी देता हूँ कई बार डिफेंस स्टडी की और आपको सोशल वर्क की, तो वो तो आप जानते हैं, वॉइस समरी तो मैं नॉर्मल हिंदी में ही देता हूँ, नोट्स देता हूँ तो वो इंग्लिश में देता हूँ। मेरे पास वैसे सोशल वर्क के हिंदी वाले नोट्स भी हैं कुछ कुछ, और वो वाले तो फ्री वाले भी हैं आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन है जो आंसर राइटिंग, क्योंकि आप बुक तो कोई भी पढ़ सकते हैं लेकिन आंसर राइटिंग में आपको इंडिविजुअल फीडबैक कोई नहीं देगा ऐसे, ठीक है। तो मैं हर दूसरे या तीसरे दिन, हर दूसरे दिन एग्जैक्टली यहाँ पे पूरा देखिए मैं सबको अलग अलग फीडबैक देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, 200 वर्ड लिखने हैं, एक्ट लिखना है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा ये फीचर है। और इसमें एक्चुअली 2 ग्रुप होते हैं हमारे पेड ग्रुप में, एक जो ग्रुप है उसमें मैं मटेरियल देता हूँ, ठीक है, और एक होता है डिस्कशन ग्रुप जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जीएस वाला जो है, जैसे टेस्ट है, अब हर 6-6 दिन में टेस्ट होंगे, अभी 10 तारीख को जो टेस्ट है पेड वाले ग्रुप के लिए वो यहाँ भी होगा टेस्ट, और वो जो 2018 वाले ग्रुप में होगा वहाँ भी होगा। तो जीएस की तैयारी तो पैरेलल ही होगी ना, जीएस और करंट अफेयर, तो इसमें रेगुलर हो रहा है सब। अगर आप चाहें तो सोशल वर्क में अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, या फिर डिफेंस में आंसर राइटिंग करनी है, या फिर एसे राइटिंग करनी है, या फिर हिंदी का जो लेटर राइटिंग वो सब करना है प्रिपेयर, और उसी के साथ जीएस भी और करंट अफेयर भी, तो ये कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है, कंप्लीट पैकेज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेंस वाला ग्रुप है, आप मुझे बस ये लिख दीजिएगा, मेरा नंबर है 7838692618, ठीक है, इस पे आप मुझे मैसेज करके ये लिख दीजिएगा कि यूपीपीएससी 2017 के मेंस वाले ग्रुप में आप जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उसमें आपको जोड़ लूँगा। इंग्लिश हिंदी में जैसे भी आप लिखोगे मुझे कोई समस्या नहीं चेक करने में पहले। हाँ ये जरूर है कि मटेरियल में कई बार जो होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में देता हूँ इस वाले ग्रुप में, तो ये है आप। और लेकिन आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब अब देखिए सोशल वर्क वाले पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से 5 करने होते हैं। अब उसमें 5 क्वेश्चन में आप सोशल वर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ लो, सोशल वर्क की हिस्ट्री, इंग्लैंड में इतिहास, यूएस में इतिहास, सोशल वर्क की एजम्पशन क्या क्या है, सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये पढ़ लो, तो 1-2 क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो इसी से हो जाते हैं। फिर जो 6 उनके मेथड हैं, 3 प्राइमरी वाले 3 सेकेंडरी वाले, इन 3 में से 2 पढ़ लो और ये 3 पूरे पढ़ लो, पूरा पेपर हो जाएगा आपका पहला वाला। और दूसरे वाले में तो ज़्यादातर करंट अफेयर ही होता है। अब दूसरे वाले में जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर मैं मटेरियल देने वाला हूँ यहाँ पे, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो रही है, प्लस और भी जो भी सोशल वाली इश्यूज हैं उस पर हम लोग करेंगे। देखिए रेगुलर मैंने दिया है इसीलिए मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, डेट देख लीजिए, रेगुलर यहाँ पे फीडबैक होता है, रेगुलर यहाँ पे आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने आंसर राइटिंग दी
फिर मैंने इनको जो भी जैसा भी फीडबैक मुझे लगा कि कीवर्ड कम है या फिर भटक गया, जो भी मतलब एकदम एग्जैक्ट फीडबैक देता हूँ मैं। थोड़ा सा ये है कि अगर आपका नेचर रूड बुरा मान जाने वाला हो तो मत करना, लेकिन जो भी होगा मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ इसमें, ठीक है। और वैसे भी जो यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें देखिए पूरा ये यहाँ पे जब से ग्रुप चालू हुआ है आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो इसमें मतलब मैं काफ़ी इसमें टाइम देता हूँ। आजकल मेरा पूरा फोकस सिर्फ यूपी पीसीएस में है, और यूपी पीसीएस का ये मेंस वाला है और प्लस एक जो 2018 वाला ग्रुप है। तो आप ये वाला जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, और अपने आंसर चेक करवाने के लिए, और प्लस दूसरों के आंसर देखने के लिए, प्लस और ज़्यादा कीवर्ड्स लाने के लिए। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया सब फीचर। कोई और डाउट हो तो बता दीजिएगा। देखिए हिंदी में भी लोग लिखते हैं यहाँ पे, और उस पर मैं पॉइंट पूरा देता हूँ कि कैसे क्या क्या कमी रह गई, या फिर कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो उनको पूरा बता देता हूँ मैं। और प्लस अगर ऐसे वैसे में भी आपको लिखने हैं आंसर तो आप लिख सकते हैं। देखिए जब से मैंने ग्रुप चलाया था तब से लेकर लगातार आंसर राइटिंग हो रही है। मैं इसीलिए बीच बीच में एक दो दिन का भी मान लीजिए जैसे पेपर वेपर हो जाता है उसमें छुट्टी भी नहीं करने देता हूँ, इसीलिए रेगुलर आंसर राइटिंग हो रही है, देख लीजिए आप पूरा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप आपको दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें देखिए जब से लेके ये चालू हुआ, 6 फरवरी को मैंने चालू किया था, जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से लेके पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि सुपर ग्रुप है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप 7838692618 पे यूपीपीएससी 2017 का मेंस में इंटरेस्टेड है आप, ये लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसमें आपका चाहे सोशल वर्क हो चाहे डिफेंस हो और चाहे ये दोनों ना हो, लेकिन उसकी फीस कम नहीं होगी किसी के लिए, ये बात यहाँ पे है, क्योंकि इसमें जीएस भी कवर हो रही है, हिंदी भी कवर हो रही है, करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, तो ये फीस इधर उधर से एडजस्ट हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर, और बाकी कोई वैसे कमेंट करना बस।